और छिंदवाड़ा जिले में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन और एसपी विवेक अग्रवाल ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सीमा के बॉर्डर एरिया में पहुंचकर यहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि वाहन चेकिंग सघनता से करते हुए आने जाने वाले लोगों को थर्मल स्क्रीनिंग जरूर करें। वहीं महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को कोविड रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश देने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने यह कहा कि 24 घंटे कर्मचारी जांच नाकों पर निगरानी रखे। निरीक्षण के बाद कलेक्टर व एसपी द्वारा सौसर में राजस्व और पुलिस अधिकारियों की बैठक ली गई। कलेक्टर साहब छिंदवाड़ा और मैं जिले की सीमा क्षेत्रों के भ्रमण में सुबह से ही गए हुए थे और मुख्य रूप से हमने नागपुर से लगे हुए सीमावर्ती क्षेत्र जिसमें थाना लोधीखेड़ा और थाना बिछुआ क्षेत्र के सीमावर्ती स्थानों का भ्रमण किया है। वहाँ पर होने वाली वाहन चेकिंग और जो लोग महाराष्ट्र से आ रहे हैं उनके संबंध में जो कार्रवाई की जा रही है उसका निरीक्षण किया है। सामान्य रूप से सभी व्यक्तियों की वहाँ पर चेकिंग की जा रही है। आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट्स देखी जा रही हैं और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति छिंदवाड़ा से राज्य की सीमा पार करके अनावश्यक वहाँ न जाए क्योंकि वहाँ संक्रमण का प्रसार ज़्यादा है, ऐसी सूचना मिली है। और साथ ही साथ केवल इमरजेंसी आवश्यकताओं को छोड़कर जिसमें मेडिकल इमरजेंसीज मुख्य रूप से शामिल हैं, अनावश्यक रूप से आने जाने वाले लोगों को सामान्य रूप से घर में रहने की सलाह दी जा रही है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि संक्रमण के प्रसार को हर संभव तरीके से रोका जाए।